हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 500 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। दोस्तों 500 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्च आता है वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों जब भी हम घर बनाने की सोचते हैं तो पहला क्वेश्चन दिमाग में जो आता है वो आता है बजट का। मतलब अगर मैं घर बना रहा हूँ तो मुझे कितना खर्च आएगा, राइट। हर कोई चाहता है कि उसे थोड़ा एक एस्टिमेट मिल जाए, एक अंदाज़ा मिल जाए कि अगर वो 500 स्क्वायर फीट का अगर घर बनाता है तो वो कितने रुपए लगेंगे, उसमें मजदूरी जो लेबर वर्क है वो कितना लगेगा, मटेरियल का कॉस्ट कितना लगेगा, और डिटेल में अगर जानना चाहे तो हर एक मटेरियल का वो कॉस्टिंग जानना चाहेगा, राइट। तो उसके लिए कई बार क्या करता है वो अपने घर का नक्शा बना के फिर उसका एस्टिमेट निकालवाता है और उस पर से दोस्तों वो पता चलता है। बट बिना एस्टिमेट निकाले आप अगर जानना चाहते हैं कि आपका जो घर बना रहे हैं, राइट, उसका एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना आएगा, तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पे स्पेशल एक्सेल शीट बनाई है जिसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, आपका जो प्लॉट एरिया है, राइट, यहाँ पे मैं 500 स्क्वायर फीट ले रहा हूँ, आप और कोई भी एरिया 1000 ले सकते हैं, 2000 ले सकते हैं, वो एरिया डालकर आपको सिर्फ आपके एरिया के जो मटेरियल के रेट से उन्हें चेंज करना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो दोस्तों सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये है दोस्तों मैंने बनाई जो है हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की जो एक्सेल शीट है वो यहाँ पे मैंने स्पेशली बनाई है, राइट। ये एक सॉफ्टवेयर की तरह ही है, सिर्फ आपको इसके अंदर डेटा एंटर करने हैं। तो देखिए 500 स्क्वायर फीट का अगर यहाँ पे मैं एरिया ले रहा हूँ कि मेरा जो प्लॉट एरिया है वो 500 स्क्वायर फीट है, और उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते फर्स्ट कॉलम जो है उसके अंदर सीमेंट आप देख सकते हैं, सीमेंट बैग्स के अंदर। तो एवरेजली दोस्तों जो मैं एक्सपीरियंस बेस बोल रहा हूँ, जो भी मैं कंस्ट्रक्शन करवाता हूँ, राइट, उनके बेस पर मैंने एक एवरेज निकाली है कि जो सीमेंट है जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके अंदर सीमेंट 0.43 बैग्स पर स्क्वायर फीट लगती है, राइट। मतलब जितनी भी बैग्स मेरी लगी है एक तीन कंस्ट्रक्शन में उसको डिवाइडेड बाय मैंने टोटल एरिया कर दिया तो मुझे ये जो यूनिट है ये मिल गया है, ये बहुत एक्यूरेट है, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि एक स्क्वायर फीट में हमें आधी बैग सीमेंट की यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये मतलब फिक्स यूनिट है यहाँ पर कि 0.43 बैग्स पर स्क्वायर फीट हमारा जो है सीमेंट यूज़ होने वाला है हमारे हम जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसके अंदर। तो 500, अब देखो दोस्तों अगर हम 500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करें तो 0.43 मल्टीप्लाइड बाय 5000 मतलब 215 बैग मुझे यहाँ पे सीमेंट की लगने वाली है, ठीक है। 215 बैग यहाँ पे मुझे सीमेंट की लगने वाली है। उसके बाद स्टील की बात करें तो स्टील हम केजी में लेंगे तो स्टील का जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो यूज़ होता है वो करीबन 2.5 केजी पर स्क्वायर फीट होता है। मतलब हर स्क्वायर फीट में 2.5 किलो स्टील हमारा यूज़ होता है जनरली, राइट, ये थंब रूल है। तो उसके हिसाब से 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो 1250 केजी दोस्तों यहाँ पे स्टील हमारा यूज़ होगा, मतलब 1.25 टन जितना स्टील यहाँ पे हमें इसके अंदर दोस्तों यूज़ होने वाला है, ठीक है। उसी तरह से सैंड जो है वो क्यूबिक फीट में आती है या फिर ब्रास में आती है। आपने मेरा वीडियो देखा होगा क्यूबिक फीट टू ब्रास का कन्वर्जेशन, वो देख लीजिए। 100 क्यूबिक फीट बराबर एक ब्रास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.20 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट, मतलब दोस्तों हर स्क्वायर फीट में 1.20 क्यूबिक फीट हमारी सैंड यहाँ पे यूज़ होने वाली है। तो 1.20 मल्टीप्लाइड बाय 500 हम करेंगे तो करीबन 600 क्यूबिक फीट, राइट, क्यूबिक फीट हमारा क्या आएगी यहाँ पे सैंड आएगी। उसी तरह से ग्रेवल की बात करें क्यूबिक फीट में तो वो करीबन 1.33 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट यूज़ होती है। मतलब उसकी जो क्वांटिटी यहाँ पे आ गई वो है दोस्तों 674.5 क्यूबिक फीट, राइट। क्यूबिक फीट में हमारी ग्रेवल मिलती है, एग्रीगेट मिलती है, गिट्टी मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करें ये ब्रिक्स की, दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स जो है जो पर स्क्वायर फीट जो है वो 7.3 नंबर्स यूज होती है, मतलब 7.3 नंबर्स पर स्क्वायर फीट, मतलब एक स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करने में 7.3 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हमें यहाँ पे लगती है। तो हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन कितना है 500 स्क्वायर फीट, 500 मल्टीप्लाई बाय 7.3 करेंगे तो 3650 ब्रिक्स दोस्तों हमें लगेगी अगर हम 500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कराते है तो, ठीक है। उसी तरह से टाइल्स की बात करें तो टाइल्स यहाँ पे लगती है हमारी 0.7 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट, मतलब एक स्क्वायर फीट में 0.7 स्क्वायर फीट जितनी टाइल्स लगती है। और तो 500 से अगर हम टाइल्स की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 350, मतलब 350 स्क्वायर फीट जितनी टाइल्स हमें बॉर्डर करनी पड़ेगी।
कलर की बात करें तो कलर लीटर्स में आता है, तो ये करीबन 0.12 लीटर पर स्क्वायर फीट, मतलब एक स्क्वायर फीट काम करने में 0.12 लीटर दोस्तों हमें कलर की जरूरत पड़ेगी। तो कलर दोस्तों हमारे जो क्वांटिटी आ जाए आ गए 60 रुपीज, ठीक है। उसी तरह से नीचे की तरफ आप आएंगे, ठीक है, तो देखिए ये सारे जो है मटेरियल्स हो गए और इनका हमने क्वांटिटी भी यहाँ पे निकाल दी है कि कितनी क्वांटिटी आएगी। उसी तरह से डोर्स, विंडो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ये थोड़े मेजर वर्क है दोस्तों, इसके अंदर और भी बहुत सारे वर्क आते हैं, बट मेजर जो आपका जो खर्च होने वाला है वो मैं आपको एक एस्टिमेट निकाल के ये जो एक्सेल शीट है आपको दे देगी। जैसे कि डोर्स, विंडो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल जो है, ठीक है, इसका आप पकड़ लीजिए 120 रुपये पर स्क्वायर फीट, मतलब करीबन एक स्क्वायर फीट में आपको ये चार चीज़ें करने के लिए 120 रुपये लगेंगे, तो 500 स्क्वायर फीट में करीबन 60,000 के करीब लगेगा, ठीक है। तो ये जो सारा है दोस्तों मटेरियल का कॉस्टिंग यहाँ पे मैंने हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, ये मटेरियल का कॉस्टिंग हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो डोर, विंडो, प्लम्बिंग में करीबन हमारा 60,000 सिर्फ मटेरियल का लगेगा, लेबर अभी मैं नीचे बताता हूँ। देखिए नीचे क्या है, हमारा लेबर वर्क है, तो यहाँ पे लेबर देख लिए 350 रुपये पर स्क्वायर फीट, राइट, इससे कम भी होता है, 250 से लेके 350-500 तक का लेबर रेट होता है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज में 350 रुपये पर स्क्वायर फीट दोस्तों लेबर रेट यहाँ पे पकड़ रहा हो, तो उसके हिसाब से 500 स्क्वायर फीट का 175,000 आपका लेबर वर्क हो जाएगा, मतलब मजूरी जो बोलते हैं, ठीक है, थीके? वो 175,000 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंजीनियर्स भी, अगर आप घर का नक्शा बनाते हैं, इंस्पेक्शन कराते हैं, तो वो 20 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, तो उसके अंदर आपके 10,000 चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों मटेरियल एंड दोस्तों ये डोर, विंडो, प्लम्बिंग, लेबर, इंजीनियर्स का कॉस्टिंग, राइट। तो अब इस एक्सेल शीट में आपको करना क्या है, ये एक्सेल शीट की लिंक में दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या है, देखिए यहाँ पे सीमेंट बैग जो हमने निकाली थी कितनी थी, 215 बैग थी, ठीक है, 215 बैग हमारी क्या है, सीमेंट की है। अभी मार्केट में रेट क्या चल रहा है सीमेंट का दोस्तों, कई जगह पे 350 है, कई जगह पे 450 भी है, तो मैं यहाँ पे 430 का दोस्तों रेट पकड़ता हूँ सीमेंट का। जैसे ही हम यहाँ पे दोस्तों चेंज करेंगे, 430 करेंगे, तो यहाँ पे भी चेंज होगा। देखिए मैं यहाँ पे 400 करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रेट चेंज हो जाएगा। ये कैसे होगा, 215 मल्टीप्लाइड बाय सीमेंट का रेट हम करेंगे तो हमको क्वांटिटी मिल जाएगी, सीमेंट में हमें कितना पैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं 410 या 420 का रेट कर देता हूँ, ठीक है। उसी तरह से स्टील जो है दोस्तों, अभी मार्केट में स्टील का रेट बहुत ज़्यादा है, अब लॉकडाउन के टाइम पे तो 85 रुपये तक था, राइट। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा उसको कम करेंगे, करीबन 70 रुपये या फिर 68 रुपीज के करीब दोस्तों चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 70 रुपये पकड़ लेता हूँ। तो स्टील का जो कॉस्टिंग यहाँ पे आएगा वो 87,500 रुपीज की दोस्तों सिर्फ हमें स्टील लगने वाला है, ठीक है। उसी तरह से सैंड की बात करें तो सैंड जो होती है दोस्तों वो क्यूबिक फीट या फिर ब्रास में आती है, तो 600 क्यूबिक फीट है, मतलब 6 ब्रास हुआ, तो एक ब्रास का आप पकड़ लीजिए 4,000 रुपये होता है, राइट। और या फिर दोस्तों आप पर स्क्वायर फीट भी निकल, पर क्यूबिक फीट भी रेट पकड़ सकते हैं, 45 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट रेट का चलता है सैंड का। उस हिसाब से 27,000 की दोस्तों यहाँ पे हमारी सैंड लगने वाली है। उसी तरह से ग्रेवल दोस्तों करीबन 55 रुपये पर क्यूबिक फीट मार्केट में रेट है, राइट। तो करीबन ये हो जाएगा 37,000 के करीब दोस्तों इसका हमारा कॉस्टिंग आ जाएगा। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों, लॉकडाउन के पहले 4.5-5 रुपये की ब्रिक्स मिलती थी, अभी 8.5 है, 10 रुपये तक की बीट है। अगर हम स्टैंडर्ड लें तो 10 रुपये की दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स हमें यूज होगी, राइट। तो ब्रिक्स जो है तो 3,650 है मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब 36,500 की दोस्तों सिर्फ हमें यहाँ पे ब्रिक्स लगने वाली है, ठीक है। उसी तरह से टाइल्स की क्वांटिटी, टाइल्स का भी रेट पर स्क्वायर फीट 45 रुपीज है, तो 350 मल्टीप्लाइड बाय 45, मतलब 15,750 रुपये की सिर्फ दोस्तों आपको टाइल्स लगने वाली है। कलर की बात करें तो दोस्तों 60 लीटर्स दोस्तों कलर लगने वाला है, तो 320 रुपये पर लीटर का रेट पकड़े तो करीबन 19,200 रुपीज़ का दोस्तों यहाँ पे कलर दोस्तों अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो आपको इतना पड़ेगा, तो 20,000 का दोस्तों कलर का मटेरियल ही पड़ेगा, ठीक है, लेबर वर्क अलग है। उसके बाद डोर, विंडोज़ का, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग की बात करें तो वो मैंने बता दिया कि टोटल 120 रुपये पर स्क्वायर फीट हो जाता है चारों काम, तो 60,000 में आपका ये मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। लेबर बाग की बात करें 350 रुपये पर स्क्वायर फीट, मतलब 500 मल्टीप्लाइड बाय 350, करीबन 175,000 रुपये की लेबर वर्क मजूरी आपको पड़ जाएगी और 10,000 इंजीनियर्स फी हो जाएगी। और दोस्तों टोटल मिला के अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको 558,000, राइट, मतलब 5.5 लाख पकड़ लीजिए, 5.5 लाख रुपये तक दोस्तों आपको 500 स्क्वायर फीट का जो घर है, राइट, वो बन के रेडी हो जाएगा लेबर प्लस मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी अपने एरिया का रेट डालोगे उसके हिसाब से ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी,
राइट। और यहाँ पे दोस्त कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है। जिसी तरह से अगर 500 की जगह मैं 1000 डाल दूंगा तो यहाँ पे 1000 के हिसाब से मेरी क्वांटिटी मटेरियल कैलकुलेट होके आ जाएंगे, राइट। 1000 करिए, 1500 करिए, राइट, जो भी आप डालोगे उसी हिसाब से यहाँ पे आपको एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कॉस्ट बता देगा घर बनाने का, ठीक है। तो हम 500 स्क्वायर फीट के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसकी ये जो एक्सेल शीट है दोस्तों, इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा।